सेंट एंड्रूज कॉलेज में 18 जुलाई को कॉलेज के शिक्षक और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों के बीच हुई नोकझोंक मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने शुक्रवार को एक प्रेस नोट जारी कर पुलिस प्रशासन से कॉलेज में छात्र छात्राओं के प्रवेश के नाम पर की जा रही धन उगाही सहित विभिन्न अनियमितताओं की जांच की मांग करते हुए कॉलेज के प्रचार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की मांग की। परिषद के सदस्यों ने कॉलेज के प्रचार पर परिषद के सदस्यों के साथ अभद्र आचरण करने का आरोप भी लगाया। परिषद के सदस्यों ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा है कि अगर प्रशासन ने कॉलेज के प्रचार के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं किया तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और शिक्षकों में हुए विवाद के संबंध में एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि दोनों पक्षों से तहरीर दी गई है, मामले की पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएगा उसी आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया, दोनों पक्षों द्वारा अपनी अपनी बात कही गई है, उनके द्वारा जो है दोनों पक्षों द्वारा तहरीर दी गई है। इसके अंदर पूरी जांच जो है क्षेत्राधिकारी कैंट को दी गई है और मौके के ऊपर उनसे वार्ता की जा रही है और जैसा इसके अंदर स्थिति होती है आपको अपडेट किया जाए। दोनों पक्षों द्वारा जैसा मैंने बताया अपनी बात कही गई है। सीसीटीवी फुटेज भी हम लोग के पास आया है, किस परिस्थिति में कौन अंदर गया है, क्या चीज़ें हैं, इसको पूरा समीक्षा करने बाद आगे विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी।